गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल? व्हाट इज द रोल ऑफ एसक्यूएल इन डेटाबेस एंड व्हाई वी आर यूजिंग सीक्वल इन डेटाबेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। Its full form you can say is a structured query language. It is a special purpose programming language designed for managing data held in a relational database management system based upon relational algebra and tuple relational calculus. ठीक है, जो ये SQL है ये work करता है based on tuple relational calculus और relational algebra. इसमें concepts use होते हैं हमारे math. SQL बेसिकली एक स्टैंडर्ड है और ये ANSI प्रूव्ड हो गया था 1986 और ISO सर्टिफाइड है 1987 का। ठीक है, इट्स अ स्टैंडर्ड वे। SQL बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। जैसा कई बार लोग कहते हैं SQL इज़ अ लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस, इसको हम कंप्यूटर की टर्म में लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस भी कहते हैं। अगर हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो हमें SQL आनी चाहिए या SQL लैंग्वेज आनी चाहिए अगर हमें डेटाबेस से कोई भी काम करवाना है। देख, SQL लैंग्वेज में बहुत सारे इसके एलिमेंट्स हैं। अगर हम कोई क्यूरी लिखेंगे, जैसा हम एग्जांपल में देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके लैंग्वेज के, जैसे क्लॉजेस वर्ड यूज़ करेंगे हम, एक्सप्रेशन वर्ड यूज़ करेंगे, क्यूरीज और स्टेटमेंट्स। ये काफ़ी सारे वर्ड जो यूज़ होते हैं जब हम SQL कमांड्स को लिखना शुरू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इनके और डिटेल में जाते हैं SQL के बारे में। SQL क्या करती है? कमांड्स, बेसिकली SQL है क्या? इट्स ए कमांड। इसमें बहुत सारी कमांड्स है जो हमें याद रखनी पड़ेगी अगर हमने इसमें प्रोग्रामिंग करनी। तो इन कमांड्स को हमने फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फॉर इजी लर्निंग। ठीक है, बेसिकली कि यूज़र को SQL लर्नने में आसानी हो। ठीक है, पहली कैटेगराइजेशन की है हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम DDL कमांड्स भी कहते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बेसिकली हम इसमें डिफाइन करते हैं डाटा को, उसको कहते हैं DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और जो कमांड्स इसमें यूज़ हम करते हैं वो होती है क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, रीनेम, ट्रंकेट। ठीक है, ये कमांड हमारी यूज़ होती है डाटा डेफिनेशन में। और दूसरी क्लासिफिकेशन हुई है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, इसमें हमारी कमांड्स रहती है सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। ठीक है, और थर्ड कैटेगराइजेशन है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे हम डाटा को कंट्रोल करते हैं कि डाटा कंट्रोल का मतलब है कि वो उसको किसको हमने परमिशन देनी है उस डाटा की एक्सेस करने को, किसको नहीं देनी है। और इसमें कमांड्स रहती है ग्रांट और रिवोक। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी होती है हमारी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करते हैं कि हम जो हमारी जो कमांड रन हो रही है जो कुछ इफेक्ट कर रही है हमारे डेटाबेस को, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें उस तरह की कमांड्स हमारी यूज़ होती है। और बेसिकली हमारी जो इसमें कमांड यूज़ होगी वो होगी कमिट। कमिट का मतलब है ये हमारा जो चेंजेस हुए हैं वो सेव हो जाने चाहिए। और दूसरी है रोल बैक। रोल बैक का मतलब है कि जो हमने चेंजेस किए वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमारा डेटाबेस पुराने स्टेट में चला जाना चाहिए, वो होती है रोल बैक। ठीक है, हमने बीच में पढ़ा था डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, जिसमें हमने कमांड बताई थी मैंने सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। बेसिकली जो हमारी ये मैनिपुलेशन कमांड्स होती है, ये कमांड होती है जो डाटा को चेंज करती है, उसको मैनिपुलेट करती है। जैसे हमने कोई डाटा इंसर्ट किया हुआ है, हम चाहते हैं कि उसकी जगह कुछ नया डाटा अपडेट हो या उसमें कुछ चेंजेस हो, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। ठीक है, या मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे अपडेट कमांड। अपडेट से क्या होगा, वो डाटा अपडेट हो जाएगा, जो पहले उसमें डाटा था उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब ये रही बात इनकी कमांड्स की। अब इनको यूज़ कैसे करना है और इनका सिंटैक्स कैसा है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि इनको लिखना कैसे, इनको टाइप कैसे करना है। और उससे उनको टाइप करने से पहले हमें कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा कि इन कमांड्स को जब हम रन करने से, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।